नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है टॉप न्यूज। हमारी टीम की मेहनत अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर पास में मौजूद बेल के बटन को दबाएं। धन्यवाद। आगरा में उस समय लोग हक्का बक्का रह गए जब लोगों को पता चला कि एक नई पार्टी भी बन गई है जिसका नाम था राष्ट्रीय व्यापार पार्टी। आगरा लोहा मंडी स्थित अग्रसेन भवन में 13 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता बुलाई गई जिसमे व्यापारियों ने एक बड़ा बयान दिया। व्यापारियों ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक केंद्र पर राज्य में शासन करने वाली पार्टियों के द्वारा तमाम लोग लुभाने वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे वादे पूरे नहीं किए जाते। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार आज भी मुंह बाय समस्या बन के खड़ी है। स्थिति यह है कि आजादी से लेकर अब तक गरीब और गरीब होता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे को राजनीतिक दलों ने दलित के उत्थान के बजाय अपने वोट बैंक के हथियार के रूप में ज्यादातर इस्तेमाल किया है, जिसके कारण दलितों में भी अमीर और गरीबी की खाई पैदा हो गई है। देश की समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यापारी अथवा नौकर पैसा, किसान, गृहिणी, युवा आदि सभी इन राजनीतिक दलों से आज श्रस्त हैं, परंतु विकल्प के अभाव में ये मजबूर है। इन सब समस्याओं को देखते हुए समाज के बुद्धिजीवी एक समाजसेवी वर्ग ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। इसे राष्ट्रीय व्यापार पार्टी के नाम से भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष पंजीकृत करवाया है। वहीं इन बातों को बताते हुए प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने विपक्षी पार्टियों पर बात करते हुए कहा कि देश में इस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर है तथा देश का पैसा भी ठिकाने लगाया जा रहा है। देश को भ्रमित करने की इस परंपरागत कार्यशैली को तोड़ने की जरूरत है, इसलिए हमने राष्ट्रीय व्यापार पार्टी बनाई है। क्या है अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है कि जो जो सरकारें आई और जब वो चुनाव लड़ी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो दिए, उन मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो जो घोषणाएं की, जो जो वादे किए, उन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, और जनता अपने को उसके बाद ठगासा महसूस करती है। आज हम लोगों ने फैसला किया, इसीलिए हमारे लोगों ने फैसला किया कि जो गरीब से गरीब होता जा रहा है और जो ये खास पैसे वाले लोग हैं वो बहुत बड़े पैसे से पैसे वाले होते जा रहे हैं। बैंकें दिवालियाँ होती जा रही हैं, लोग पैसे ले ले करके लाखों करोड़ रुपये देश से भाग रहे हैं, और ऐसे सरकारें ऐसे लोगों में हम जो लोगों से टैक्स ले करके और टैक्स ले करके उस टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे बीच में हम लोग सब लोगों ने इसकी क्या जिम्मेदारी है कि आप भी सारे वादे पूरे करोगे जो आप करोगे? देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहूँगा कि जब लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया तब लोगों को ये मालूम था और लोगों को भरोसा आया कि उन बातों को पूरा करेंगे। आज हम जो बात कहने जा रहे हैं उस पर जनता भरोसा करेगी, तभी जनता हम लोगों को वोट देगी, और हमारे काम इसके बीच में हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे 2-3 पार्टीज में हमारे कार्य, हम SC ST एक्ट का संशोधन हुआ है उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। साथ ही हम स्ट्रीट वेंडर एक्ट, जो हमारे फॉर्म के ठेले वाले छोटे फुटपाथ के विक्रेताएँ, उनकी लड़ाई भी हम लड़ने का कार्य करेंगे। स्ट्रीट वेंडर जोन बनवाएंगे, वो जगह जगह उनको जो है एक स्थान नियुक्त करेंगे जिससे उनकी वो जीवन अपने ज्ञापन कर सकें। साथ ही एक व्यापारी स्वच्छ आयोग, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। साथ ही किसानों के लिए दोगुना जो उनका फसल का मूल्य का लागत का है, उसके लिए भी हम लोग विरोध करेंगे कि ये पैसा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है तो सरकार जो वादे करती है, सारी सरकारें वादे करती हैं, लागू नहीं करती है। हम इसके लिए कार्य करेंगे। साथ ही हम जो छोटा बहुत किसान है, जो छोटा बहुत हमारा मध्यम श्रेणी का और छोटा बहुत जो हमारा व्यापारी है, उसके लिए जो ऋण है उसका ऋण मिलने में खुशी हो, साथ ही 5 करोड़ तक का ऋण उसके नाम होना चाहिए, 2019 मिलनी चाहिए। हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें जो हम आपको प्रेस में बताएंगे, उसमें आपको 2019 की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर? 2019 के अंदर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोग जो है जिन मुद्दों को हमारे मुद्दे उन मुद्दों को हम लोगों के सामने लेके जाएंगे, उन मुद्दों को पूरा हम लोग चुनाव। जैसा कि बीजेपी सरकार जब आई थी तो एक राम मंदिर को लेकर या एक जाति को लेकर, जैसे एक हिंदुत्व एजेंडे को लेकर वो आई थी, तो क्या आपका इस प्रकार का कोई एजेंडा है आपका? हमारी पार्टी जाति में और धर्म में विश्वास नहीं करती है। हमारी पार्टी समय समान लोगों में मजदूर और कुटुंब की धारणा को लेकर के हमारी पार्टी चुनाव में उतरेगी, और साथ ही हम एक नहीं सारे समाज के लोगों को उनको उठाने के लिए हमारी पार्टी बनी है, उनको उठाने के लिए हम कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने अभी प्रेस नोट पढ़ा है इस पर, जो एक व्यापारी वर्ग को ज़्यादा शामिल किया गया है, तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है कि बाकी अदर लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए? ऐसा नहीं है। आज आप हमारे जो जो सामने हमारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए, इनमें सारे वर्ग के, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग हैं, और इन लोगों को
ये इस बात का प्रतीक है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और साथ लोगों को चलेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम ऐसा है तो उससे देखने में लगता है कि राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी है। ऐसा नहीं, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं और हम उन युवाओं की बात भी कर रहे हैं जिनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, और साथ ही हम उन लोगों की बात भी कर रहे हैं जो संगठन में हमारे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि मजदूर है, वो भी हमारे व्यापार का एक अंग है, वो हमारे व्यापार के साथ रहता है, उसकी वो बात कर रहे हैं। जब हम व्यापारी की बात करते हैं तो उसका एक पटल है, एक बहुत बड़ा पटल है, इसको आप किसी एक जाति में एक समाज में जो इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारे समाज एक तरह प्रदेश एससी का जिस तरह से आपने डाला है वो किस तरह से डाला है, जो एसटी एससी है जो एक नासूर बन चुका है सब लोगों की नज़र से, वो किस तरह आप इसमें एसटी एससी का प्रोग्राम जो संशोधन हुआ है, जो संशोधन किया गया है वो संशोधन गलत हुआ है। आज जो हम जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी अगर उसी आधार पर चलते रहते तो हमारे ये कोई विरोध नहीं होता। जो इन्होंने एससी एसटी का जो संशोधन किया वो गलत किया। किस तरह गलत किया? देखिए आज जो है पहले क्या होता था कि किसी के खिलाफ़ FIR कराई, ऐसी FIR कराने के बाद उसको तत्काल गिरफ्तारी नहीं होती थी, लेकिन अब तत्काल गिरफ्तारी होगी तो ये बहुत गलत है। सबसे बड़ा यही एक मुद्दा है, क्योंकि बाकी तो एससी एसटी में जो भी है वो है, तो इसका माना जाए दुष्परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतेगी, बिल्कुल भुगतेगी। जब ये याद है कि मोदी ने बोला था कि 56 इंच का सीना है, उन्होंने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छा, देश की सुरक्षा को लेकर काफ़ी वादे किए गए थे, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं अटैक हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर आपकी पार्टी क्या सुरक्षा को लेकर कुछ विचार है आपका? देखिए, जब से ये बीजेपी आई है, देखिए हो सकता है हमारे व्यापारियों के प्रति उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी बहुत बुरा होता रहा, बहुत इतने उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, उनके लूटपाट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन आज बीजेपी में स्थिति वही है, कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें इस तरह के हमारे वो मिलते हैं, पहले तो हम पार्टी को अपने पूर्ण नेता पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में भी लड़ाने के लिए सक्षम है। और व्यापारी पार्टी आज यहाँ नहीं, ये तो आगरा में दिख रहा है, जहाँ जहाँ हमारे फोन पे वार्ता चल रही है, लोगों से फोन आ रहे हैं, तो हमारी व्यापारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जैसे पूर्व से देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी है जो हमेशा व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली पार्टी है, तो इस तरह की क्या कंडीशनें बन रही हैं जो व्यापारी भी बीजेपी से दुखी है? उसका कारण है कि उन्होंने बीजेपी वालों ने जो व्यापारी का किया है वो अत्याचार किया है उनके साथ। देखिए, सबसे पहले नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद GST लागू हुआ, अब आज के जब हम श्रवण जाति के लिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम श्रवण जाति के लिए भी कह रहे हैं कि श्रवण जाति के लिए सबसे बड़ा ये वो है मुद्दा है, क्योंकि अगर उसने एक FIR लिखा दी उसमें हमारा आदमी गया जेल, तो बस सबसे बड़ा यही कारण है। मेरा परिचय, मैं राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पोरवा। आज जो पार्टी की लॉन्चिंग हुई है इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य तो सर व्यापारियों की सुरक्षा, जो हम लोग नहीं पा रहे हैं, व्यापारियों का उत्पीड़न और व्यापारियों का शोषण जो हम बर्दाश्त करते चले गए। पहले हम भारतीय जनता पार्टी को अपना मानते थे, उसके साथ हम उसके साथ काम करते थे, लेकिन वही पार्टी हम व्यापारियों का शोषण करने पर तुल गई। जब हम इतने तब गए तो हम विवश हो गए कि हम अपना भी निर्णय ले सकें और पूरे व्यापारी इकट्ठे करके अपनी पार्टी का गठन किया। यहाँ पे मूंगफली बेचने वाला भी व्यापारी है, चर्मकार भी व्यापारी है, किसान भी व्यापारी है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, कोई जात विशेष का इसमें वो नहीं है, इसमें हर आदमी छोटे से लेके बड़ा तबका इसमें जुड़ा है। इसी उद्देश्य को, मूल उद्देश्य को हम लोगों ने धारण करके इस पार्टी का आज शुभारंभ किया है और ये पार्टी धीरे धीरे करके पूरे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बंगाल में हर जगह अपने कदम बढ़ा रही है। 2019 की क्या रणनीति है पार्टी की? 2019 के लिए हम पूरी बैंक के साथ काम करेंगे, गली में, नुक्कड़ में, गांव में, हर जगह जाके पार्टी कार्य करेगी और 2019 की पूरी तैयारी करेगी, और जो भी जीत हार का फैसला होगा उसकी चिंता करने वाले हम लोग नहीं, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का दायित्व का निर्वहन करूँगा, कर रहा हूँ, और संगठन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में भ्रमण करने का भी मेरा जो है मन है, पूरी व्यवस्थाएं बन चुकी है। आज पार्टी लॉन्च की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी क्यों बनी, इसका मेन उद्देश्य जो छोटे तबके का व्यापारी है, जो रोड पर बैठ करके
जो घोंचा लगाता है, जो ठेल पर बैठ करके सामान बेचता है, उसका दर्द कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं सुनती, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे सारे व्यापारी। जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, लोग ये कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। हम उनको हमेशा धोते आए, उनको ढोया, उनके फर्श बिछाए, उनके झंडे लगाए, उनका सब काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, उस सरकार ने व्यापारियों का जो सत्यानाश कर दिया। उसके खिलाफ जितने कानून बन सकते थे सारे कानून बनाए, चाहे GST बनाई हो, चाहे SC ST एक्ट बनाया हो, चाहे जो है तुम्हारा इनकम टैक्स के प्रावधान बढ़ाए हो, सारे व्यापारियों के खिलाफ एक्ट तैयार कर दिए। एक और नया मुद्दा, नई एक बात कि TTZ ताज पेटीएम के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियों को ले आए, उनसे सारी इंडस्ट्रियों को बंद कर रहे हैं। जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग वाले जो व्यापारी हैं, सारे परेशान हैं। आप, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से, मथुरा रिफाइनरी में कितना पॉल्यूशन होता है, कितना धुआं निकलता है, उसको क्यों नहीं बंद करते? छोटे उद्योगों पर क्यों जो है रोक लगाई जा रही है ताज पेटीएम के नाते? मैं राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी का महामंत्री संगठन होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अगर आगामी आने वाले समय में हमारी पार्टी छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का सहयोग करेगी, उनका साथ देगी और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगी, उनके साथ संघर्ष। 2019 में कितने लोगों को उतारने का विचार है आपका? 2019 में पूरे प्रदेश में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। केवल प्रदेश में या बाहर भी? पहले पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हमको हारने का कोई डर नहीं है, हमको तो व्यापारियों को ऊपर बढ़ाना है, उनको अपनी पहचान बनानी है कि व्यापारियों की भी कोई पार्टी है। आज तक हम दूसरे के लिए करते आए हैं, दूसरे को देते आए हैं, अब अपने लिए करना है। जैसा कि आपका एक इसमें आवाज उठाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उठाएंगे, उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोविजन 2016 में पास हुआ है लोकसभा में, ऐसे क्या अनपढ़ी कि जो अब आपको इसके सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बात आपकी बात पूरी कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो संशोधन हुआ उसका निर्णय दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के संशोधन को नहीं माना और अपना प्रस्ताव पास करके उसको लागू कराया। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट में तो राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो ST पर सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं माना? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम विरोध करेंगे, हर गलत नीति का विरोध करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने ही पार्टियों को बनाया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, केवल व्यापारियों के मुद्दे पर पार्टियाँ चलती है। अब हम झंडे किसी के नहीं उठाएंगे, अब झंडा उठाएंगे तो व्यापारी पार्टी।